नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। दिल्ली की तरफ जा रहे किसानों के जत्थे पर पुलिस द्वारा आंसू गैस छोड़ने को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की और कहा कि ये कैसा अमृतकाल है जब किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, धिक्कार है। राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से तीनों उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर उनके साथ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी ने अभिनेत्री जया बच्चन, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजी लाल सुमन और यूपी के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक कर आगामी 19-21 फरवरी को प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 की तैयारियों की समीक्षा की। विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विकास प्राधिकरणों के सीईओ के साथ हुई इस विशेष बैठक में मुख्यमंत्री जी ने विभागवार और जनपदवार निवेश प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए जीबीसी 4.0 के सफल आयोजन के लिए निम्न दिशा निर्देश दिए। विपक्षी गठबंधन में लगातार फूट नजर आ रही है। एक एक कर राजनीतिक पार्टियां किनारा कर रही। पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, फिर नीतीश कुमार और रालोद के बाद आम आदमी पार्टी ने भी बड़ा ऐलान किया। आम आदमी पार्टी ने भी सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस को ऑफर दे दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इटावा लायन सफारी के पास केदारनाथ की तर्ज पर केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे। करीब 10 एकड़ में बन रहे इस मंदिर के लिए नेपाल से शालिग्राम की शिला मंगवाई गई। मंगलवार को शालिग्राम शिला की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यालय में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। कुछ दिनों तक सामान्य रहने वाला मौसम मंगलवार से बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने वज्रपात और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया। सोमवार की रात में भी राजधानी लखनऊ सहित कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई। मंगलवार की सुबह कहीं पर धूप दिखी तो कहीं हल्के बादल नजर आए। हालांकि पूर्वा हवा चलने से तापमान में गिरावट नहीं हुई। आने वाले दिनों में प्रदेश में कहीं हल्की तो कहीं ज्यादा बारिश हो सकती है। कुछ जिलों में ओले गिरने का अलर्ट भी जारी किया गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़े वर्ग के युवाओं की शिक्षा से लेकर रोजगार और स्वरोजगार के लिए नए द्वार खोले हैं। अब लोकसभा चुनाव 2024 में युवा मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। भाजपा ओबीसी मोर्चा की ओर से सोमवार को राजधानी के विश्वेश्वरैया सभागार में युवा संवाद कार्यक्रम का आगाज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए मंगलवार को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की। उन्होंने एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा, सतत विकास और लोगों की भलाई के लिए हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू कर रहे हैं। पंजाब के किसान आज दिल्ली के लिए कूच करेंगे। सोमवार को चंडीगढ़ में 3 केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच की घोषणा कर दी। मंगलवार को अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों के ट्रैक्टर पहुंचने शुरू हो गए। हालांकि वहां पुलिस ने भारी भरकम बैरिकेडिंग की हुई है, साथ ही भारी सुरक्षा बल भी तैनात किया गया। रास्ते में पुलिस ने कील बिछा दी, हाईवे पर दीवारें बनाई, इसके साथ ही बड़े बड़े बोल्डर भी रख दिए ताकि किसान देश की राजधानी दिल्ली में ना पहुंच पाए। अक्षय कुमार अपनी आगामी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की रिलीज के लिए तैयार है। एक ओर जहां फैंस बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे, वहीं दूसरी ओर हाल ही में अभिनेता की दूसरी फिल्म सरफिरा की रिलीज डेट भी सामने आ गई है। इस फिल्म में अक्षय राधिका मदान के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। यह फिल्म सूर्या की सोरा रई पोटरू की रिमेक है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।